हर बार मैं आपके साथ क्राफ्ट और आर्ट रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ, लेकिन आज मैं लेके चलूँगी आपको एक मेले पे जो कि आर्मी स्टेशन में होता है। और ये मेला क्यों है, किस लिए है, मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी आज। हालांकि मुझे पसंद नहीं है ऐसे मोबाइल लेके घूमना, वीडियो शूट करना, फिर भी सोचा कि आप सभी के साथ शेयर भी करूँगी ये सब चीज़ें। और मैं भी यहाँ पे पार्टिसिपेट की थी, तो इसीलिए थोड़ा बहुत वीडियो मैंने बनाया है और ये शेयर कर रही हूँ। वेलकम टू माय चैनल लिप्स आर्ट एंड क्राफ्ट। ये आवा मेला क्या है आप सोच रहे होंगे। आवा एक एनजीओ संस्था है जो कि आवा का फुल फॉर्म है आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन। ये हर साल 23 अगस्त को मनाया जाता है। ये आर्मी सोल्डर्स वाइफ को सहायता प्रदान करता है और हैंडीकैप्ड बच्चे को भी वो स्कूल प्रोवाइड करता है। ये मेले में ज़्यादातर हैंडीक्राफ्ट चीज़ें ही देखने को मिलता है और ये कैंट के अंदर ही मेला लगता है, बाहर से किसी को भी अलाउड नहीं है। और यहाँ पे थोड़ा बहुत मतलब जैसे स्टॉल वगैरह बाहर से आते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो आर्मी वाइफ्स हैं वो यहाँ पे स्टॉल लगाते हैं वैरायटी हैंडमेड चीज़ों को लेकर। और जैसे बेकरी आइटम हो गया और ज्वेलरी वगैरह हो गया, ये सब भी यहाँ पे लगाया जाता है। यहाँ पे लेडीज़ों के साथ आप जेंट्स को भी देख रहे हो जो कि खुद की यूनिट से आते हैं, और मतलब जो जो लेडीज़ हैं उनके हस्बैंड्स हैं और कुछ यूनिट से भी आते हैं ताकि वो सारे उनके हेल्प करें और उनका मदद करें सारा चीज़ लगाने में, स्टॉल लगाने में। और यूनिट को कुछ देना भी पड़ता है जैसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो फ़ोटो वोटो लेने भी आते हैं। तो ये सब आर्मीज़ के अंदर ही रहते हैं। और एक बात, मैं जैसे उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ तो मुझे इतने अच्छे हिंदी नहीं आते, तो जितना भी आता है मैं वैसे ही बोल के आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कहीं पे भी गलती हो तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ये जो स्टॉल देख रहे हो आप, ये बहुत ही स्पेशल स्टॉल है। ये बताती हूँ मैं, जितने भी सारे चीज़ें बनाया गया है आप सोच भी नहीं सकते हो कि ये हैंडीकैप्ड बच्चों ने ही बनाया है। ये देखो, ये एक आशा स्कूल है, मतलब यहाँ पे सारे हैंडीकैप्ड बच्चे ही हैं। और ये एक हमारे अंदर एक सजनी करके कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर जितने भी सारे चीज़ है वो यहाँ पे इस मेले पे लेके आए हैं और ये वाला स्टॉल उनका है। ये स्टॉल के बाद आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने मिलेगी। ये है मेरी स्टॉल, जो कि मेरे पास जितने भी आइटम मुझे बेचना था मैं सब लेके आई हूँ यहाँ पे। और मेरे साथ, मैं उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ तो मेरे साथ एक उड़ीसा की और भी एक दीदी है जो कि अपना बेकरी का आइटम साइड में लगा के रखे हैं। ये मेरा स्टॉल है, आपको तो पता ही होगा कि ये मैंने बनाया है।
और ये है वो उड़ीसा की जो दीदी है, ये है। तो इनका सारा रागी का बना हुआ सारा सब कुछ चीज़ें है, जो कि हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये जो आप ज्वेलरी का स्टॉल देख रहे हो, ये आर्मी का नहीं है, ये इनको बाहर से लाया गया है, जो कि वो हर बार आते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे आवा मेला जो लगता है उसमें इनको मैं देखती हूँ, ये बाहर से ही आए हैं। टोटल सिल्वर आइटम है। वीडियो बनाते बनाते मैं फिर से वापस मेरे स्टॉल में आ गई, और जो यहाँ पे दिखा रही हूँ मैं, ये सब हमारे यूनिट के सर है जो कि मदद कर रहे हैं होर्डिंग वगैरह लगाने के लिए। और मैं तो यहाँ पे बैठी हूँ, थोड़ी देर बाद फिर से जाऊँगी वीडियो बनाने, क्योंकि ज़रूरत पड़ता है तो आना पड़ता है। तो बीच बीच में जाके मैं थोड़ा थोड़ा करके वीडियो बना रही थी। कुछ टाइम बाद थोड़ा भीड़ ज़्यादा बढ़ गई थी और आ रहे थे स्टॉल में सारे सामान को देखने, चेक करने, और सारे पूछ के भी जा रहे थे ये किससे बने हैं, कैसे बने हैं, क्या यूज किए हो, और फ़ोटो भी खींच रहे हैं। मुझे देख के थोड़ा मज़ा भी आ रहा था और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। फर्स्ट बार मैंने स्टॉल लगाया था और एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत, मतलब थोड़ा बहुत नहीं, बहुत अच्छा ही मेरा एक्सपीरियंस रहा इसमें। ये आर्टवर्क को किसी ने मेरे से ख़रीदे थे, तो इसके साथ और दोनों चीज़ भी लिए थे, तो मैं तो उस टाइम वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन वो थोड़े कुछ टाइम के लिए मेरे पास रख के गए थे तो मैंने ये मतलब वीडियो बनाई थी। खुशी की बात ये है कि जो हमारे यूनिट के है CO, जो कमांडिंग ऑफिसर है, वो भी एक लेडीज़ है, तो वो पहले मेरे पास आए थे चीज़ लेने के लिए, सामान देखने के लिए कि कैसा है क्या है, फिर पूछ के गए देखे। और उनके साथ उनके मम्मी भी आए थे और उनको मेरा बॉटल आर्ट बहुत पसंद आया, और जो मैंने स्टिक बनाया था गार्डन स्टिक वो भी मेरे से लिए, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और इसी के साथ हमारा मेला भी ख़त्म होता है।